वेलकम गाइस, चलिए आज बनाते हैं लौकी का पराठा चटनी के साथ। तो चलिए बनाते हैं फिर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक मसाला तैयार करना है जिसे हम लौकी के पराठे के अंदर डालेंगे। उसके लिए हरी मिर्च ले ली है, इसको भून कर लेना है, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और ये है थोड़ा सा हरा धनिया। जी हाँ, हरा धनिया। अब थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे। अब लेंगे एक चम्मच जीरा। अब इसे हम अच्छे से पीस लेंगे दरदरा, बिना पानी के, देखिए इस तरह से। अब इसे रखते हैं साइड में। और अब क्या करेंगे, हम लौकी को इस तरह से धोकर, मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है, और उसे हम कद्दूकस कर लेंगे। और इसके छिलके बिल्कुल भी नहीं उतारना, ये छिलकों के साथ ही बनाना है, स्वादिष्ट भी बनेगा। और इस छिलकों के साथ होने के कारण हमें इसके सारे प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन सब मिलेंगे। तो चलिए, इसे हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इसके अंदर हमने जो मसाला पीस के रखा था ना, उसे ऐड करेंगे। तो चलिए उसे हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके अंदर का पानी भी हमें निचोड़ना नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर ही सारे इसके गुण रहेंगे, तो इसे निचोड़ना बिल्कुल नहीं। अब इसके अंदर ये मसाला मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से लौकी के अंदर इस तरह से हमें मिक्स कर देना है, ताकि लौकी में अच्छे से पूरी तरह फैल जाए। अब डालेंगे हम, ये है सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, जिसे हाथों पर लेकर इस तरह से क्रश कर दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो चलिए इसे अब डाल देते हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी, आप चाहे तो हरी मिर्च तो हमने डाली हुई है, आप थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो। आप डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और ये है कटा हुआ हरा धनिया, जो हमने हरा धनिया बचा के रखा था ना, वही उसको हमने अच्छे से बारीक कट कर लिया है। अब इन सब चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे हम इसके अंदर तेल। तो हमें तेल कितना डालना है, तो ये भी 2 चम्मच है, जिस चम्मच से हमने तिल लिए थे ना, वो 2 से 3 चम्मच ले लीजिएगा। अब डालेंगे आटा। तो ये मैंने 1 कटोरी आटा ले लिया है। अब डालेंगे और थोड़ा सा, यानी 1.5 कटोरी आटा, इसे छान कर ले लिया है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे बेसन। तो बेसन 2 बड़े चम्मच है, ये बड़े वाले जो आते हैं वो 2 चम्मच। तो 1.5 कटोरी के लिए आधा कटोरी से थोड़ा सा कम समझ जाइए बेसन चाहिए। इससे हमारे पराठे स्वादिष्ट भी बनेंगे और कुरकुरे भी लगेंगे, यानी दोनों टेस्ट आएगा। अब इन सबको इस तरह से एक साथ अच्छे से हाथों से मिलाकर फिर बाद में हमें देखना है, अगर लौकी के अंदर आपके ज़्यादा पानी हो तो आटा उसी में गूंथा जाएगा, तो पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर लगती है तो इस तरह से आप थोड़े थोड़े हाथों में लेकर पानी की आवश्यकता से इस तरह से आप आटे को गूंथ लीजिएगा। तो इससे क्या होगा ना, हमारा आटा है जो ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल इस तरह से मीडियम, जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, बस वैसे ही नरम आटा होना चाहिए। इसे ढककर साइड में रख देंगे, तब तक बना लेंगे चटनी। चटनी के लिए चाहिए 1 कटोरी मूंगफली के दाने भुने हुए, थोड़ा सा अदरक और ये है हरा धनिया और ये करी पत्ता। बस इसके अंदर हम लहसुन नहीं ऐड करेंगे, बिना लहसुन के बनाएंगे। तो चलिए इसमें डालते हैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छे से पानी डालकर पीस लीजिएगा। अब इसे निकाल लेते हैं अलग बर्तन में, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसके अंदर आपको जितना पानी चाहिए, जितना मतलब आप चटनी में पानी पसंद करते हो, गाढ़ी पसंद हो, पतली पसंद हो, उस हिसाब से आप पानी इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही। और इसको लिए अब लगाएंगे हम तड़का। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और तड़का तैयार करने के लिए मैंने क्या किया है, तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब उसमें डालेंगे सरसों के दाने यानी कि राई, और उसको अच्छे से तड़कने देंगे। उसके बाद डालेंगे थोड़े तिल, सफ़ेद तिल, उन्हें भी अच्छे से तड़कने देंगे। और जब तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम डालेंगे करी पत्ता। अब मैंने क्या किया ना, ठंडा नहीं होने दिया, तो देखिए ये तेल कितना गर्म है, बहुत गर्म है। मैंने जल्दबाजी में ऐसे ही उसके अंदर डाल दिया, तो देखिए करी पत्ते से हमारा तेल कितना उछलने लगा, देखिए। अब फिर मैंने क्या किया, ऊपर से 1 चम्मच से ढक दिया ताकि आजू बाजू तेल ना गिरे, देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब इसको हम चटनी के अंदर मिला देंगे तड़के को,
और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो चलिए अब इसे हम रखते हैं ढक कर साइड में, और अब हम बेलेंगे अपने पराठे। जी हाँ, पराठे, आज मैं आपको एक अलग स्टाइल में पराठा बेल कर बताऊँगी। तो चलिए फिर इसे रखते हैं ढक कर साइड में, और अब हम देखते हैं हमारा आटा सेट हुआ कि नहीं। तो चलिए हमारा आटा भी सेट हो चुका है। थोड़ा सा तेल लेंगे और इसे अच्छे से हम गूँथ लेंगे फिर से एक बार, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम करेंगे इसकी लोइयां तैयार। तो आपको जितना बड़ा पराठा बेलना है उस हिसाब से आप लोइयां तोड़ लीजिएगा, लेकिन मैं ना पराठे बेलते बेलते ही लोइयां तोड़ूंगी। और इसको आप ढक कर रख दीजिएगा जब तक पराठे बेलते हो, हमारा आटा सख्त ना हो, इसलिए ऊपर से है ना वो एक अलग से पपड़ी सी जम जाती है आटे पर, उससे हमारे फिर पराठे अच्छे नहीं बेले जाएंगे, इसलिए इसको आटे को ढक कर रखना। और इस तरह से हम लोई को तोड़कर इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब चलिए बेलन लेते हैं। तो इस तरह से बेलन भी रख लिया, अब इसे रखते हैं थोड़े से साइड में, और इस तरह से तेल भी निकाल लिया है हमने पराठों को लगाने के लिए। अब मैं प्लेटफॉर्म पर ही पराठे बेलूंगी। इसको मैंने साफ़ कर लिया है और तवे को भी साफ़ करके गर्म करने के लिए रख दिया है। तो देखिए अब हम पराठा बेलेंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा लोई लेकर उसको अच्छे से थोड़ा सा चप मतलब फैलाते हुए बेलना है। उसके ऊपर लगाएंगे हम इस तरह से तेल। अब इसके ऊपर हम आटा छिड़केंगे, सूखा आटा इस तरह से छिड़केंगे। देखिए इस तरह से आटा छिड़कने से क्या होता है ना, हमारे पराठे फूलते भी हैं और कुरकुरे भी बनते हैं, और इसमें अच्छी से लेयर आती है। तो लेयर वाला पराठा हमारा तैयार होगा। तो देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, जैसे मैं बता रही हूँ, इस तरह से आप बेल सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो पराठा है वो चौकोर यानी चौकोर टाइप में बेला जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे चौकोर आटों में, अब थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और उसे इस तरह से चौकोर साइज देते हुए बेलेंगे। हल्के हल्के हाथों से इसको बेलना है, देखिए ऐसे ही। तो जैसे ही आप ऐसे बेलते जाएंगे ना, ये अपने आप चौकोर साइज होता जाएगा। और अगर आपको लगे चौकोर नहीं हो रहा है तो इस तरह से हाथों की सहायता से उसके कोने निकाल दीजिए, चारों तरफ के कोने इस तरह से निकल जाएंगे, देखिए ऐसे। अब देखिए ये हमारा जो पराठा है वो बेल चुका है। अब इसे हम सेकेंगे। तो हमारा तवा भी गर्म हो चुका है, तो चलिए इसे सेक लेते हैं। तो देखिए बहुत जल्दी हमारे पराठे तैयार हो जाते हैं गाइस। तो आप सुबह के नाश्ते में या बच्चों के टिफ़िन पर भी आप इस तरह से बनाकर दे सकते हैं। जो बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं ना, आप इस तरह से बनाकर दीजिएगा, वो ज़रूर खाएंगे, ताकि उन्हें भी अच्छे से न्यूट्रिशन ज़रूर मिलेगा। तो देखिए अब इसको हम अलट पलट के तेल लगा के इसको तैयार कर लेंगे। और इसे अच्छे से सेकना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो हमें खाते वक्त ना लगे, इसलिए इसे धीमी आंच पर सेकना गाइस। तो ये बहुत अच्छे सिकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमारा जो पराठा है फूल गया है, लेकिन बीच में वो थोड़ा सा उसकी जो वाफ है वो निकल चुकी है, इसलिए ये फूला हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फूल चुका है। मैं आपको इसकी लेयर भी बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से अब हमारा पराठा तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। एकदम मस्त लग रहा है ना, बहुत स्वादिष्ट लगता है गाइस, ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए मैंने एक और पराठा तैयार कर लिया है, बिल्कुल गर्मा गर्म पराठे चटनी और टमाटो केचप के साथ। इतना टेस्टी लगता है ना गाइस, बहुत टेस्टी लगता है, ज़रूर बनाइएगा। देखिए इसकी लेयर आपको दिख रही है ना, और कुरकुरापन भी बहुत है, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो फिर आप कब बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगली ऐसी ही आसान रेसिपी में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।